नमस्कार दोस्तों, कभी कभी खेलते समय या फिर किसी असुविधाजनक सतह यानी कि ऊपर नीचे वाली सतह पर चलने की वजह से किसी भी व्यक्ति को पैरों में मोच या खिंचाव आ सकता है, जिसकी वजह से सूजन और दर्द पैदा हो जाता है। और यदि आप मोच का सही समय पर उपचार नहीं करते हैं तो इससे भविष्य में अधिक गंभीर समस्या हो सकती है। तो चलिए जान लेते हैं कि मोच आने पर आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर टखने में मोच आ जाए तो आपको काफी आराम करना चाहिए। अगर आप रोजाना काफी चलते हैं तो कुछ दिन तक ऐसा बिल्कुल भी ना करें, जिससे कि टखने की मांसपेशियों और ऊतकों को इस्तेमाल करने की ज्यादा जरूरत पड़े। इसके अलावा यदि मोच लगने के तुरंत बाद ही उस जगह पर बर्फ लगाकर सिकाई कर ली जाए तो उस जगह पर सूजन नहीं आता। दर्द को दूर करने के लिए आप हर 1 से 2 घंटे में 20 मिनट की बर्फ से सिकाई करनी चाहिए। बर्फ को हमेशा किसी कपड़े में लपेट कर लगाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी जो होती है वो एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होती है, जो कि पैर में मोच को आराम देती है। इसके लिए आप 2 चम्मच हल्दी में थोड़ा पानी मिलाकर एक पेस्ट बनाकर हल्का गर्म कर लें और फिर इसको मोच पर लगा लें और फिर अपने पैरों को 2 घंटे बाद गर्म पानी से धो लें। ऐसा करने से आपको पैर की मोच में आराम मिलता है। अगला उपाय दोस्तों फिटकरी का। फिटकरी जो होती है दर्द और मोच में काफी असरकारक होती है। इसके लिए आप फिटकरी को 1/2 चम्मच लें और उसमें 1 गिलास गर्म दूध में मिलाकर पी लें। इससे जो दर्द है वह ठीक हो जाता है और सूजन में भी आराम मिलता है। सरसों का तेल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। सरसों के तेल के इस्तेमाल दर्द को दूर भगाने में किया जाता है और यह काफी असरकारक भी होता है। इसके लिए आप पान के पत्ते में सरसों का तेल लगाएं, फिर उसे हल्का गर्म कर लें और फिर मोच वाली जगह में सेक करें। इससे आपको मोच की समस्या में काफी आराम मिलता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई हो। ऐसी ही वीडियोस रोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।